बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए, क्योंकि समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों, हम लोग आज करने वाले हैं मॉक टेस्ट 26। जल्दी से एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज है प्रीवियस ईयर का पार्ट 2014 का, जो कि हम लोग कर रहे हैं। डेली एक सेट होता है, दोस्तों को बता दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, देखते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि आज का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 1 से 75 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। 20 जो यहाँ पे 26 मॉक टेस्ट है, 25 मॉक टेस्ट तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है और आज 76 क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। जल्दी से एक बार थम्सअप कर दीजिए। क्वेश्चन आज का है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन दिया है श्रीनगर, आगरा में, लाहौर में और दिल्ली में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? श्रीनगर, आगरा, लाहौर और दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सभी को पता है, लेकिन इसमें जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा और नोट करते चलिएगा। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, कहाँ पर है? तो लाहौर में दोस्तों एक शहादरा जगह है। क्या है? शहादरा एक नगर है, वहाँ पे स्थित है। और जहांगीर के मृत्यु के 10 साल बाद उसके जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। और लाहौर जो शहर है, जो कि जहांगीर का मकबरा यहाँ पे माना जाता है, तो लाहौर शहर रावी एवं बाघा नदी के तट पर बसा हुआ है और भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित पाकिस्तान के प्रांत जो कि पंजाब की राजधानी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर को न्याय और जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। जहांगीर को न्याय और जंजीर का शासक माना जाता था, काफ़ी न्यायप्रिय शासक था। अगला क्वेश्चन है, किसने अष्टधाई की रचना की? ऑप्शन दिया है वाल्मीकि, सेकेंड ऑप्शन है वेदव्यास, कालिदास और पाणिनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, पाणिनि। पाणिनि के द्वारा अष्टधाई की रचना की गई थी। और पाणिनि दोस्तों संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणविद थे, आपको मैं बता दूं। और इनका जन्म उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था और इनके व्याकरण का नाम अष्टधाई था। क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट जो व्याकरण का ये एक बुक है, आप लोग अगर कभी भी मौका मिले तो बुक स्टॉल से खरीद के, स्टेशनरी से खरीद के इसे ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें टोटल 8 अध्याय और लगभग 4 सूत्र बताए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, 40 लीटर दूध, मीटर नहीं है दोस्तों, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए ताकि पानी मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। 40 लीटर दूध है और दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें कि 10% पानी है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। ऑप्शन दिया है 7.5 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों से क्या बोला था, जब भी परसेंटेज आए तो उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100, इसको जब काटते हैं तो क्या होगा, 1/10। यानी कि यहाँ पे क्लियर ये हो गया, टोटल 10 लीटर के मिश्रण में पानी कितना है, टोटल 10 लीटर के मिश्रण में पानी कितना है, 1 लीटर पानी है। तो जब दोस्तों यहाँ मिल्क और वाटर की रेशियो की अगर बात करें हम लोग, तो 1 लीटर अगर पानी है तो 9 लीटर की दूध हो जाएगा और टोटल मिश्रण कितना है, टोटल 10 लीटर मिश्रण यहाँ पे है, देखिए ध्यान से। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है 40 लीटर दूध है, मिश्रण जो है कितना है, 40 लीटर मिश्रण है। तो मिश्रण 40 लीटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 से 10 से गुणा करेंगे तो मिश्रण 40 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को पता चला, जब इसमें हम लोग 4 टाइम इसको करेंगे तो ये हो गया 36 और इसको जब हम लोग 4 टाइम करेंगे तो ये हो गया 4।
मतलब यह है दोस्तों कि 36 लीटर दूध में 4 लीटर पानी है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, इसमें कितना मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 100, और 1/5 जब इसको काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 4:1 हो जाएगा। टोटल कितना है, टोटल 5, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। मिश्रण में हम लोग 5 लीटर अगर पानी मिला देते हैं तो मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाती है। ऐसे दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दूध है और यहाँ पे पानी है, तो पानी पानी में ही मिलाया जाएगा, दूध में कभी नहीं मिलाया जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग जो दूध की मात्रा है, इसमें दूध की मात्रा में पानी की मात्रा को हम लोग ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, किस देश में एक प्रकार का नास्तिक समुदाय करेन मिल सकता है, किस देश में एक प्रकार का नास्तिक समुदाय करेन मिलता है। ऑप्शन दिया है मिस्र, चीन, लीबिया और म्यांमार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, म्यांमार। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से शेयर कीजिए दोस्तों में और थम्सअप कर दीजिए। म्यांमार में एक प्रकार का नास्तिक समुदाय मिलता है जिसे करेन बोला जाता है, और करेन समूह दक्षिण म्यांमार में रहता है। जो साउथ म्यांमार है ना, वहाँ पे पाया जाता है करेन समूह, और लगभग लगभग 5 मिलियन लोग यहाँ पे निवास करते हैं, और टोटल कुल बर्मी जो है वहाँ पे, कुल बर्मी आबादी का कितना है, 7% है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, एक ही स्थान से उत्पन्न एवं एक समान क्रिया निष्पादन करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, इसलिए कि ये सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग दोस्तों में एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक ही स्थान से उत्पन्न एवं एक समान क्रिया निष्पादन करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, ऊतक बोला जाता है। ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान कोशिका से होती है, ध्यान रखिएगा। और कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करते हैं जिसमें समय समय पर वो क्या होता है कि आपस में एक दूसरे से विशेष पदार्थ द्वारा, एक पदार्थ होता है जिसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, कोशिकाएँ किस विशेष पदार्थ द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। दोस्तों इतना तक क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 ईस्वी में डैश में हुआ था, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 ईस्वी में डैश में हुआ था। ऑप्शन दिया है कुआलालंपुर, मांडले, सिंगापुर और टोक्यो। तो राइट आंसर की बात करें, सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 ईस्वी में सिंगापुर में हुआ था, और इसका गठन क्यों किया गया था दोस्तों, तो इसका गठन भारत की स्वाधीनता के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था, और जिसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका था, सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस, जो कि नाम आप लोग इससे परिचित हैं, सुभाष चंद्र बोस जी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें इन्हीं के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया गया था, और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, ध्यान रखिएगा। कभी क्वेश्चन आता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस जो यह आज़ाद हिंद फौज है, इसका एक अपना प्रतीक चिन्ह बनाया गया था, एक झंडा बनाया गया था, जिस झंडे पर एक बाघ का चित्र बनाया गया था दहाड़ते हुए, जो कि दहाड़ रहा है, उस बाघ का चित्र बनाया गया था। ठीक है, इतना तक क्लियर है, चलिए देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह का उपग्रह ट्रीटोन है, किस ग्रह का उपग्रह ट्रीटोन है। ऑप्शन दिया है यूरेनस, शनि, नेपच्यून और बृहस्पति। तो आप सभी को पता है नेपच्यून ग्रह का जो उपग्रह है ट्रीटोन है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है तथा यहाँ का जो साल होता है काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों, साल जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, और यह एक ठंडा ग्रह है, और जिसमें टोटल इसमें 8 उपग्रह हैं, जिसमें ट्रीटोन और नेरिड प्रमुख हैं, जिनको जाना जाता है दोस्तों, दो ही नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी खोज किसने की थी, जो यह ग्रह है उपग्रह है, इसकी खोज किसने की थी, तो जर्मन के एक वैज्ञानिक थे,
कौन थे? जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जे जी गाले इनका नाम है। 1846 ईस्वी में, कब? 1846 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। इतना तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाणिज्यिक पत्र क्या है? वाणिज्यिक पत्र क्या है, किसे बोलते हैं? यहाँ पर हम लोग काफ़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बारे में। वाणिज्यिक पत्र क्या है? ऑप्शन दिया है, एक बैंक किसी अन्य बैंक को जारी करता है, एक बैंक किसी कंपनी को जारी करता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, एक बैंक किसी बैंक कंपनी को जारी करता है। वाणिज्यिक पत्र जो होता है एक बैंक किसी कंपनी को जारी करता है, और यह क्या होता है? तो एक प्रतिज्ञा पत्र होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर ऋण लिया गया है कोई कंपनी द्वारा, बैंक से कोई भी ऋण लिया गया है, तो एक प्रतिज्ञा पत्र जारी किया जाता है जिसमें क्या होता है कि साधनों का जो भी ऋण का माध्यम होता है, मुद्रा बाजार में फर्मों को जुटाया जाने वाला ऋण, इसको हम लोग बोल सकते हैं। और इसकी जो पत्र की अवधि होती है, इस पत्र की जो पूरे करने की अवधि होती है 7 से लेकर 365 दिन, यानी कि 1 साल तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर में उपस्थित अम्ल जो पाचन में सहायता करता है, जठर में उपस्थित कौन सा अम्ल है जो कि पाचन में सहायता करता है? ऑप्शन दिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि जठर में उपस्थित अम्ल को पाचन में सहायता करता है और आमाशय में भोजन का अस्थायी भंडार होता है, जिसमें कि भोजन लगभग 3 से 4 घंटा यहाँ पर रुकता है, और रुकने के बाद में जठर रस स्रावित होता है। अगर हम लोग कोई भी प्रोटीन अगर खाते हैं तो उसका पाचन कौन करता है? उसका पाचन पेप्सिन के द्वारा किया जाता है। और अगर हम लोग दूध पीते हैं तो दूध का पाचन किसके द्वारा होता है? दूध का पाचन रेनिन द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 85 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जोड़े का मेल सही नहीं है, इनमें से जोड़ा दिया गया है और इसमें से बताना है किस जोड़े का मेल सही नहीं है। ऑप्शन दिया है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, पीसी कल्चर मछली से संबंधित है, सेरीकल्चर केंचुआ से संबंधित है और हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, राइट है। पीसी कल्चर मछली पालन सही है, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, ये भी सही है, लेकिन सेरीकल्चर यहाँ पे केंचुआ नहीं होता है। सेरीकल्चर रेशम बनाने, यानी कि रेशम के जो कीट होते हैं उनका पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और विश्व में रेशम का जो प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो सबसे पहले विश्व में चीन से शुरू हुआ था, और प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर चीन है, और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर भारत है, और फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना राजा ओडियार ने की थी? निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना राजा ओडियार ने की थी? ऑप्शन दिया है, मदुरई, तंजौर, जिंजी और मैसूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो 4 है, मैसूर। इसकी जंजियार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और भारत के सिकंदर के आक्रमण के समय। दोस्तों मैं हिस्ट्री जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जब हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं बता दूँ यहाँ सिकंदर का आक्रमण, तो आप लोगों को मैसूर राज्य के बारे में वहाँ से थोड़ी सी चर्चा मैं किया हूँ। तो इसका जो प्रमाण है इतिहास में, भारत पर जब सिकंदर का आक्रमण होता है 327 ईस्वी पूर्व में, उसके बाद से इसका इतिहास प्राप्त होता है। और यह होता है, इसमें मतलब ये बोला जाता है कि मैसूर का जो उत्तरी भाग है उस पर सातवाहन वंश का अधिकार था, और यह जो अधिकार था यह द्वितीय सदी तक चला था, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 18वीं सदी में मैसूर पर हैदर अली का शासन स्थापित हो गया था। 18वीं सदी में मैसूर पर शासन कौन कर रहा था? हैदर अली का शासन स्थापित उस समय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 1350 रुपया है, 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 1350 रुपया है, 2 कुर्सी का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है। तो 1 कुर्सी 1 मेज का मूल्य बताना है आप लोगों को। ऑप्शन दिया है 550, 350, 450 और 500। तो दोस्तों यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन दिया है 5 कुर्सी, कुर्सी को सी लिख रहे हैं, चेयर, और 2 मेज
का मूल्य कितना है, 1350 रुपया दिया हुआ है यहाँ पे। इतना तक क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, दो कुर्सी बराबर है एक मेज के। दो कुर्सी किसके बराबर है, दो कुर्सी बराबर है एक मेज के। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं एक मेज बराबर है दो कुर्सी के, ये भी बोल सकते हैं। या तो आप 2 + 3 बोले 5, या फिर आप 3 + 2 बोले 5, बात तो बराबर है। तो यहाँ पे यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, इतना तक क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं इसमें क्या होने वाला है, एक मेज बराबर दो कुर्सी। तो यहाँ पे 5 चेयर 2 मेज के बराबर है और 1 मेज 2 चेयर के बराबर है। तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, 5 चेयर बराबर 1 मेज 2 कुर्सी के बराबर है। तो 2 मेज कितने कुर्सी के बराबर हो जाएगा, 4 कुर्सी के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 350। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 4 = 9 चेयर, 9 चेयर इज इक्वल टू 1350। और 1 चेयर बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब हम लोग काटते हैं 9 × 1 = 9 और 9 × 5 = 45 और ये 0 हो जाएगा। यानी कि 1 चेयर का मूल्य कितना है, 1 चेयर का मूल्य है 150 रुपया। 1 चेयर का मूल्य है 150 रुपया, तो 1 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 × 150 इज इक्वल टू कितना होगा, 15 × 2 = 30, 300। तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं, 1 चेयर का मूल्य कितना आया था, 1 चेयर का मूल्य आया था 150 और 1 मेज का मूल्य कितना आया था, 300। इसको जब हम लोग प्लस करते हैं तो टोटल होता है 450, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य टोटल 400, ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान की चौगान खेलते समय मृत्यु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जाम ही इसका किसकी क्वेश्चन ये देखने को मिला है। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लें, गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में इसे जाना जाता है। कौन सा वंश, गुलाम वंश का संस्थापक। और ये अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था, अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था, लाहौर में अपनी राजधानी बनाया था। और लाहौर में ही दोस्तों 1210 ईस्वी में चौगान खेल रहा था, जिसे चौगान को पोलो भी बोला जाता है, पोलो बोला जाता है जो कि घोड़े से खेला जाता है आई थिंक। और दोस्तों चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई थी, और जो कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। क्वेश्चन आता है कि अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और देहरादून। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है, देहरादून सही आंसर है। देहरादून में जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांगता संस्थान स्थित है, और वहाँ पे 19वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 19वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 90 का दशक बोला जाता है। ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं, उन बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और छात्रावास से लेकर वहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे ब्रेल लिपि बोला जाता है, जो कि विकलांग बच्चों को जिस माध्यम से पढ़ाई की जाती है उसे ब्रेल लिपि बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, सागर पूर्वी और सागर पश्चिमी क्या है। सागर पूर्वी और सागर पश्चिमी क्या है, ऑप्शन दिया है तेल की खोज करने वाले जलयानों के नाम है, तटवर्ती अनुसंधान जलयान है, मत्स्य एवं सागर विज्ञान संबंधित जलयान है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सागर पूर्वी और सागर पश्चिमी जो है तटवर्ती अनुसंधान जलयान है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन दिया है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और असम। किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, ऑप्शन इसका दिया है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और असम।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नागालैंड। दोस्तों अगर मज़ा आ रहा है तो एक बार जल्दी से सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो। अगर नया कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से शेयर कीजिए। हॉर्न बिल क्या है दोस्तों? हॉर्न बिल यहाँ पे एक नाम आया है, तो हॉर्न बिल के बारे में चर्चा करें तो हॉर्न बिल नाम जो है एक पक्षी का नाम है जिसके नाम पर रखा गया है, और इस पक्षी के पंख नागा समुदाय के लोग द्वारा पहने जाने वाली टोपी का हिस्सा है। इस पक्षी का जो पंख है नागा समुदाय द्वारा टोपी बनाकर इसका पहना जाता है। और इस समारोह में क्या होता है, हॉर्नबिल समारोह जो त्यौहार होता है इसमें नृत्य प्रदर्शन भी होता है, कई तरह के अच्छे अच्छे भोजन के मेले लगाए जाते हैं, कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, खेल कराया जाता है, परेड होता है, बहुत काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 व्यक्ति 14 दिनों में 336 शॉल की बुनाई करते हैं तो 8 व्यक्ति 5 दिनों में कितने शॉल की बुनाई कर सकते हैं? ऑप्शन दिया है 180, 320, 360 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसको आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैं आप लोगों को बताया हूँ PHD कौन किया है, PHDW किया है, यहाँ पे 1-1 कर लीजिएगा, फिर उसी तरह P2H2D2/W2, जो W है 2 बार PhD किया है और बराबर बराबर अंक आए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू पुट कैसे करेंगे, 3 व्यक्ति हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 व्यक्ति हैं 14 दिन में कितने काम करते हैं, 336 शॉल की बुनाई करते हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है 8 व्यक्ति 5 दिन में कितने शॉल की बुनाई करेंगे, 1 शॉल की बुनाई करेंगे। काट देते हैं इसको 3 से, जब इसको काटेंगे 1 1 2 बार में ये जाएगा, और 14 से इसको काटते हैं 8 बार में, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 8 × 5, तो 8 × 5 = 40 और 40 × 8 कितना होता है, 8 × 4 = 32, 320 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 320 सॉल की बुनाई कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन, किसी ठोस के द्रव्यमान के दुगना हो जाने से इसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी ठोस के द्रव्यमान का दुगना हो जाने से इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन दिया है 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, आधी हो जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है, आधी हो जाएगी। अगर ठोस के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो इसका घनत्व क्या होता है, आधी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, और फिजिक्स में किसी पदार्थ के आयतन में निहित जो द्रव्यमान होता है उसे उसका घनत्व डेंसिटी बोला जाता है, और डेंसिटी हमेशा अगर द्रव्यमान को दुगना किया जाए, सॉलिड की बात हो रहा है, द्रव्यमान को दुगना किया जाएगा तो घनत्व इसका आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणिका कॉर्पस्कल्प निष्कासन के पश्चात रक्त के द्रव भाग को क्या कहते हैं? कणिका कॉर्पस्कल्स निष्कासन के पश्चात रक्त के द्रव भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है प्लाज्मा, ऑप्शन सेकंड है वैक्सीन, ऑप्शन थर्ड है लिम्फ और ऑप्शन फोर है सीरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, वैक्सीन बोला जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? ऑप्शन दिया है पिनाका हल्का लड़ाकू विमान, त्रिशूल सतह से सतह पर मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र, पृथ्वी सतह से मार करने वाली प्रक्षेपात्र, और नाग टैंक विरोधी प्रक्षेपात्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, नाग टैंक विरोधी प्रक्षेपात्र। यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग बारी बारी से सबके बारे में चर्चा करेंगे। त्रिशूल के बारे में देखते हैं जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है, ध्यान दीजिएगा कम दूरी का मिसाइल है, और जो कि जमीन से हवा में मार करता है, कहाँ से, जमीन से हवा में मार करता है, और इसकी मारक क्षमता लगभग कितना है, 9 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता हो जाती है। और इसके बारे में दोस्तों और बात किया जाए तो इसका जो प्रथम परीक्षण है 5 जून 1989 को किया गया था। चलिए देखते हैं पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भारत द्वारा स्वयं निर्मित किया गया है, जिसे स्वदेशी बोला जाता है, जो कि जमीन से जमीन पर मार करता है। और नाग की बात करें दोस्तों तो नाग भी भारत द्वारा विकसित किया गया एक स्वदेशी टैंक है, जिसमें कि
स्वदेशी टैंक जो कि तीसरी पीढ़ी के टैंक विरोधी निर्देशित परीक्षक पात्र है, जो कि पिनाक। और यहाँ पे दोस्तों एक आया हुआ है ऊपर में, क्या है पिनाक, तो पिनाक भारत में निर्मित एक रॉकेट लॉन्चर है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बादशाह बनने से पहले गुलाम नहीं था, कौन बादशाह बनने से पहले गुलाम नहीं था। ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सेकेंड शासक माना जाता है और बहुत ही शक्तिशाली राजा था और बहुत ही महत्वाकांक्षी भी था। और अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अपने चाचा फिरोज जो था जलालुद्दीन फिरोज की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक दिया गया है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और बलबन जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है नासिरुद्दीन मोहम्मद का गुलाम था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी तो जो था किसी का गुलाम नहीं था, अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। 98 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया है पन्हाला, रायगढ़, शिवनेरी और तोरना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो थर्ड है शिवनेरी, शिवाजी का जन्म शिवनेरी में हुआ था। और कब हुआ था, 19 फरवरी 1630 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ पे, महाराष्ट्र के पुणे में एक ज़िला है जो कि शिवनेरी जो कि बोला जाता है। और उनके पिता का नाम क्या था, शिवाजी के पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले। उनके पिता का नाम था क्या था, शाहजी भोसले। और माता का नाम था जीजाबाई, जिसे राजमाता जीजाऊ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है 1674 ईस्वी में शिवाजी मुगलों को परास्त करके लौटे थे और उनको मराठा शासक के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, 15 संख्याओं का औसत 7 है, इन संख्याओं में से प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, बीच में कौन सी संख्या है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 15 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है, तो योग कितना हो जाएगा। जब भी योग निकाला जाता है औसत गुणे संख्या, इसकी फॉर्मूला होता है योग निकालने का, क्या होता है, औसत गुणे संख्या। 15 को 7 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 105 होता है। उसी तरह से बोला है प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 6.5 है। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 40 की 0 बचा कितना, 4, 48 और 4 52 हो गया। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 40 की 0 बचा कितना, 4, और 72 4 76। जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 8 और 7 5 12, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, 105 को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ जो संख्या है बीच वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी, जो 23 है यह बीच की संख्या होगी। दोस्तों समझ में आया होगा, इतना तक क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे। ऑप्शन दिया है शेख अहमद सरहिंद, शेख अलाउद्दीन सबीर, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और बाबा फरीद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। चलिए दोस्तों आज का देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, बैरोमीटर पठन में होने वाली अचानक गिरावट क्या दर्शाता है, बैरोमीटर पठन में होने वाली अचानक गिरावट क्या दर्शाता है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर जो है ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है और कुछ फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, आप लोग सेट लगा के देख सकते हैं। अगर आप लोग को सेट में कोई दिक्कत होता है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई डाउट है दोस्तों आप लोगों को, तो डाउट सेशन एक बनाया गया है, हमारा फेसबुक पेज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से।
संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से फेसबुक पेज बनाया गया है, वहाँ पे डाउट सेशन रखा जाता है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जाके और ज्वाइन कर लीजिएगा उसमें। वहाँ पे चैनल का लोगो होगा। उसके बाद में दोस्तों टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसमें मैं डेली बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम के मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो है पोस्ट करते रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लीजिएगा। संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से चैनल का लोगो बना है या फिर उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम जो कि संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम चैनल बना हुआ है। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 27 नंबर पार्ट के साथ में, जो कि हमारा अगला जो है फिर से 1 से शुरू होने वाला है, 100 क्वेश्चन तक जाएगा। अगर आप लोग हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके सुझाव आप लोग दे सकते हैं, और आप लोग को जिस टॉपिक के भी बारे में पढ़ना होगा आप लोग ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो प्रॉपर ज़रूर बनाऊँगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।